हरिओम, नमो नमः, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं तनुजा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल तनुजा जोशी पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, और मैं जाती हूँ छत पे, फिर दिखाती हूँ आपको आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं आज का मौसम। तो मौसम की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर देखिए तुषार पड़ के ऐसा हो रखा है, सुगिल पट, इतना तुषार पड़ रखा है ये देखिए। और आ गई है धूप, पारपन वारपन सब जगह धूप आ गई है, और बजाणी में अभी धूप नहीं आई है, और यहाँ भी तुषारा पिघला नहीं है, ये पाला बहुत ज़्यादा पाला पड़ रखा है। और अब कर लेते हैं हिमालय के दर्शन, और हिमालय में भी हल्का हल्का हॉल लगा है, शायद बर्फ़ गिर रही होगी तो इसलिए वो है, कोहरा हट रहा है, कोहरा लगा है वहाँ। और ये देखिए धूप, बढ़िया सी धूप आ गई है सुबह के 9 बजे, खिलखिलाती धूप। और ये देखिए मौसम, तो ये था आज का मौसम। अब चलते हैं नीचे को और खाने पीने का देखते हैं, खाना बन रहा है, और करेंगे दिन की शुरुआत। आप भी बने रहिए, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं हम दिन भर में। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 12, और आज देख रहे होंगे मैं रेडी होके जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल की फ्रेंड से मिलने। वो आ रही है गरुड़, तो उसका फ़ोन आया था कि मिलते हैं कल। वो जा रही है अपने ससुराल को, वो मायके आई है, वैसे मुंबई रहती है, और आजकल आ रखी है मायके, और उसका गढ़वाल में है ससुराल। तो आज मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो आगे मैं इधर पैदल रास्ते से जा रही हूँ आज, क्योंकि भैया भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं पैदल ही चले जाऊँगी। तो ये हमारा पुराना पैदल रास्ता है, तो वहाँ से जा रही हूँ गरुड़ को। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहुँच गए हैं, और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल की फ्रेंड पूजा, और आज हम मिल रहे हैं 4-5 साल के बाद, 2019 से आज मिल रहे हैं। ब्लॉगर है यूट्यूब में, इसका भी चैनल है पूजा मिश्रा उत्तराखंडी ब्लॉग, तो इसका चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा भी जो इसके फ्रेंड है वो मेरा। तो ये मिल गई मेरी फ्रेंड फाइनली मुझे, आज हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं घूमने, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये सोची थी मैं मोटी होंगी, लेकिन अब मोटी हो गई फाइनली। एक फ्रेंड ये है हमारी, यहाँ को देखो, नीमा है ये, और ये भैया है, हम जा रहे हैं। हाँ, इंटर के बाद आज ही मिल रहे होंगे। ये हम गए बैजनाथ से पास्तोली वाली रोड में, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम, कुछ पता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया सी घाटी है, सुंदर सा दृश्य दिख रहा है यहाँ। अभी हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, तो देखते हैं कैसी जगह ले जाते हैं ये लोग हमें आज। तो हम पहुँच गए 400 के गांव में, तो यहाँ एक सुंदर सी जगह दिखाई दे रही, देखते हैं ये जगह कौन सी है, तो आइए हमारे साथ देखते हैं। देखिए कितनी मस्त जगह, और मंदिर भी है यहाँ पे, देखिए ये घंटी चला रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है अभी। हिम नेचुरल, तो अपने फ्रेंड के साथ आज मौका मिला, ये फ्रेंड लेके आई है हमको यहाँ आज। ये नीमा, ये देखिए कितनी बढ़िया जगह में है। तो हम आज पहली बार आए हैं यहाँ, तो देखते हैं यहाँ कैसा है, और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मंदिर 400 बंगला, तो यहाँ पे हमको दिखा एक सुंदर सा 400 बंगला का एक मंदिर, पली बुबू मंदिर करके है ये मंदिर। ये देखिए यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए। तो आज हम पहली बार इस
सुंदर सी जगह में आए हैं। देखिए काफी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है ये, और ये हमारे ही इधर ही गरुड़ क्षेत्र में ही था और हमें पता नहीं था, हम आज पहली बार यहाँ आए। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ के, और आपको भी हम दिखाएंगे। देखिए तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी चौरसो बंगला में। तो हमें पता ही नहीं है कि गरुड़ क्षेत्र के एक चौरसो गांव में इतनी सुंदर सी जगह है, जहां एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से पूरा मेंटेनेंस किया है इधर, और इतना सुंदर सा बना रखा है, और इतना सुंदर सी जगह, इतनी बढ़िया सी जगह, जहाँ से देखिए हिमालय पर्वत भी साफ दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल इतना प्यारा सा, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत का, देखिए। और बहुत ही अच्छी जगह है ये, पूरे जंगल के बीच में इन्होंने ये बंगला बनाया है, और काफ़ी बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने अपने हाथों से, इसमें अपनी कारीगरी से, मतलब अपने हाथों के द्वारा ही कारीगरी कर रखी है इसमें। तो देखिए कितना सुंदर सा इन्होंने बना रखा है। तो हम लोग इस क्षेत्र में रह के, हम लोगों को यही पता नहीं है कि इस क्षेत्र में इतनी सुंदर सी जगह भी है। आज पहली बार हमें ये मौका मिला है इस जगह में जाने का। तो आप लोग भी इस जगह में ज़रूर आइएगा, ज़रूर यहाँ देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो अब हम जा रहे हैं बंगले की ओर, जो बंगला बनाया है लकड़ियों इत्यादि से, जो बंगला बनाया गया है, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी ले जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं इस बंगले का। तो देखिए पेड़ों के ऊपर से ये मकान भाई बनाया गया है घर, देखिए ये नीचे से पेड़ हैं और पेड़ों पे बनाया है ये, देखिए। तो चलते हैं कमरों की ओर, कमरों को देखते हैं कि किस तरह से कमरे बनाए गए हैं। तो ये देखिए पूरे बांस के लकड़ी से कमरे बनाए गए हैं, और एक निवालू होता है जिससे दीवारें बनाई गई हैं, ये भी एक लकड़ी है। तो देखिए मोहट बोलते से मोहट है, तो ये उसकी दीवार बनाई हुई है। पहले से इनमें गेहूं सुखाए जाते थे, धान सुखाए जाते थे, जो अभी विलुप्त हो चुके हैं। तो जो यहाँ दिख रहे हैं अभी हमारे पहाड़ में, अभी ये चीजें हैं। और बैठने के लिए देखिए, ये लकड़ी का पूरा बनाया हुआ है बैठने के लिए, तो सब कुछ प्राकृतिक है। देखिए ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है टेबल पूरा। और चलते हैं अभी दूसरे रूम में, ये यहाँ बाहर का। तो अब हम आ गए दूसरे कमरे में। तो दूसरे कमरे में देखिए लालटेन भी बनाई है इन्होंने, जो पहले जमाने में जलती थी। और ये देखिए छत, देखिए इसकी छत कितनी सुंदर, इसने पूरे बांस की लकड़ी से इन्होंने ये छत बनाई है, और निंगालू की लकड़ी से बनाई है, और अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाए हैं कमरे के अंदर। और ये देखिए बाहर, और तीसरा कमरा, तीन कमरे बनाए हैं इन्होंने, तो इतने सुंदर बनाए हैं, बहुत सुंदर हाथ से इन्होंने, अपने हाथों से इसमें कलाकारी कर रखी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया, और लकड़ी के टेबल चेयर रखे हैं, और बेड रखा है। यहाँ होम स्टे भी होता है, तो जो आना चाहता है वो रह सकता है यहाँ। तो यहाँ काफ़ी, बहुत ही काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, सीमेंट का कहीं पे भी इन्होंने उपयोग नहीं किया है। तो ये देखिए हम लोग कितनी अच्छी जगह पर आए हैं, ये सब पूरा लकड़ी से बनाया गया घर है एक सुंदर सा, ये देखिए। और यहाँ रहने के लिए बनाया है, और इसकी छत इस तरह से, और ये बैठने के लिए टेबल और चेयर भी बनाए हैं। ये देखिए ये है कमरे, तो ये देखिए ये है लालटेन, जो हमारे पहले से घरों में चलती थी पहाड़ों में। तो इसमें नीचे तेल भरा जाता था और ऊपर बत्ती बनाई जाती थी, मिट्टी तेल से ये जलते थे, बत्ती बना के रात भर जलते थे, बहुत रोशनी होती थी कमरों में, पढ़ाई भी इसी से करते थे। तो अब तो ये लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि जब से लाइटें आई तो लालटेन और लम्फू लुप्त हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये लालटेन को भी दिखाया है,
कि लालटेन का उपयोग हम लोग करते थे पहले से। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरी लकड़ी और पूरा बढ़िया सा इन्होंने बना रखा है ये, और नीचे इन्होंने मैट बिछाई है। और हम लोग चप्पल जूते बाहर खोल के आए हैं क्योंकि इसमें चलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग भी ज़रूर आइएगा इस जगह में घूमने के लिए। हम लोग तो आज घूम के आए, हमें बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया यहाँ आके, बहुत आनंद आया है हमें। देखिए से दिखाती हूँ आपको, इतनी ऊंचाई में है। कितने ऊपर कर रहे थे वो? है 17 फीट, 17 फीट ऊंचाई में बना है ये पेड़ों में। और ये देखिए चीड़ के पेड़ हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं सारे, चीड़ का जंगल है पूरा, चीड़ का। और देखेंगे यहाँ क्या क्या है यहाँ घूमने के लिए, और देखते हैं। तो आइए आपको भी घुमाएंगे और हम भी घूम रहे हैं। इनके द्वारा बनाया गया है, ये देखिए ये बैठने का बनाया है। देखिए मैं बैठ जाती हूँ एक बार यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो हमारे आसपास में ऐसा चीज है हमको पता नहीं है, लेकिन आज पता चल गया तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो आइएगा जरूर गरुड़। देखिए बैठने का कितना अच्छा है, ये हमारे गरुड़ में ही है ये, और हमें पता नहीं है, हम यहीं रहते हैं और हमें ही पता नहीं कि हमारे घरों में इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर बनाया गया है। तो आप लोग जो जहाँ भी हैं और जो घूमने भी आते हैं, आइएगा जरूर हमारे घरूर। ये देखिए झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए झूला भी बनाया गया है इतना सुंदर। और ये देखिए कितना सुंदर झूला बनाया है, और ये भी पूरी लकड़ी से ही बनाया गया है, ये बांस की लकड़ी से बनाया गया है। देखिए इतना सुंदर पहाड़ हमारा, और इतना पहाड़ की इतनी सुंदर सुंदर रमणीय चीजें हमारे इतनी काम आती हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है झूला, ये पूरे बांस का, ये बांस की डंडी है और बांस की डंडी से इसमें झूले का स्टैंड बनाया गया है, और जंजीर लगाई गई है इसमें। ये देखिए ये मेरी दोस्त झूल रही है और अब मैं झूलूंगी। ये देखिए हम झूला झूल रहे हैं, तो आ रहा है बहुत मजा यहाँ पर, बहुत हमको आनंद है झूले में, हम आज झूल रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है हमें। देखिए हम दोनों साथ, हम दोनों फ्रेंड साथ, और बाकी जो हमारे फ्रेंड है वो चिढ़ना मत, हाँ हमारे साथ जा रहा है, हम लोग साथ में है तो फ्रेंड के साथ अच्छा ही लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और वो भी आज बहुत टाइम के बाद हम लोग साथ में इतनी सुंदर सी जगह में आए हैं। बाकी हम जगह में पहले जब मैं बहुत अच्छा हमको मंदिर ही गए थे, तो आज हम आए हैं इतनी सुंदर सी जगह में। तो थैंक यू भैया का भी जो हमको यहाँ लेके आए, और थैंक यू नीमा का भी जो हमें लेके आई, उसी ने प्लान किया था, उसी ने हमको बताया था, तो वही हमको यहाँ पर लेके आई है, तो बहुत हमको अच्छा लग रहा है, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये आ गई है यहाँ, गीत कौन?
ग्रीन टी चाय है यहाँ की, ये देखिए। अरे तुम, ये बहुत नेचुरल चाय है यहाँ की, और ये देखिए ये लोग पी रहे हैं। ये देखिए, जरूर आइए आप भी आना, ये चाय पीनी है तो यहाँ जरूर आना। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में और हम खाएंगे अब मैगी, क्योंकि चाय तो बाहर पी ली थी, तो अब जा रहे हैं मैगी खाने के लिए। तो अभी यहाँ चल रहा है फोटो सेशन, पहले नंबर लग रहा है, एक एक करके फोटो खींच रहे हैं अंदर। तो ये देखिए हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर, और देखिए कितना सुंदर सा बनाया है। ये देखिए सब ये लकड़ी से ही बनाई गई हैं, टेबल चेयर। ये देखिए ये है ठीठ ये देखिए जो मैंने आपको बहुत से ब्लॉग में दिखा रखे आपने, और देखिए कितना सुंदर बना रखा है। कलर करके देखिए बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने, इन्होंने बनाया है, इनका है ये। देखिए पूरा काउंटर भी इन्होंने लकड़ी का ही बनाया है, और इन्होंने सब ये देखिए। ये देखिए मैगी हो गई है तैयार, और अब हम खाएंगे मैगी। देखिए ये यहाँ का मेनू है रेस्टोरेंट का, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके, और आप लोग भी आइएगा गरुड़, अगर कोई भी आएंगे घूमने तो इधर जरूर घूमने आइएगा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अति रमणीय स्थल है यहाँ। ये देखिए अभी सुंदर कोण में है, यहाँ पर नेचुरल चीजें, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ यहाँ पर नेचुरल मिलता है, और यहाँ पर अंकल जी पैकिंग भी कर रहे हैं, अंकल जी पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये मशीन भी है पीछे, तो ये बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बन रहा है, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए प्रोसेसिंग, ये देखिए ये मशीनें हैं, ये बनने वाली मशीन है यहाँ, और पैक करने वाली भी मशीन है, और बहुत काफी बढ़िया सा बनाया है। देखिए सब नेचुरल है, ये देखिए इन्होंने सब बना के रखे हैं, और ये तराजू भी रखा है देने के लिए, तोड़ने के लिए। ये देखिए ये सब बना के इन्होंने बढ़िया सा चाय बना के सारी चीजें बन रही हैं यहाँ पर। ये देखिए बना रहे हैं, जा रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, बहुत अच्छी फोटो आती है कह रहे हैं, तो देखते हैं कैसी फोटो आ रही है। हाँ ये जिन्होंने बना रखा है, इन्होंने होम स्टे बना रखा है इधर, देखिए पत्थर की दीवार है, इसमें पेंट किया है इन्होंने, पता भी नहीं चल रहा है। ढूंगा चिड़ाई कहते हैं हमारे वहाँ जिसे, ये बनाया देखो, देखिए बढ़िया सा बना रखे इन्होंने रूम, तो देखते हैं। ये है इनका घर, ये होम स्टे का, यहाँ भी इन्होंने लकड़ी से ही बना रखे हैं टेबल चेयर फैमिली के लिए। देखिए और ये देखिए आग जलाने का भी बना रखा है, तो
छत में, और देखिए हिमालय यहाँ से भी दिख रहा है। और ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ हम लेट हुए बंगला, देखिए ये देखिए चारों ओर का दृश्य देखिए, चारों ओर धुंध दिख रही है तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। इधर को है मार्केट करूल बाजार, चौरसा बंगला जो यहाँ एक जगह है चौरसों वहाँ पड़ता है। तो एक बैजनाथ से एक रोड बागेश्वर को जाती है और एक डंगोली को जाती है और एक बीच से कटती है जो पास्तोली को जाती है। तो पास्तोली से ही आगे था चौरसों चौरसे, तो उन्होंने वो ये जंगल के जो ये होता है बांस की लकड़ी होती है और निवाड़ होता है, ये जितने भी जंगली पेड़ पौधे हैं वो होते हैं जिनको यूज में लाया जाता है, तो उसके उससे उन्होंने वो बंगला जैसा बनाया है। उसमें सारा अपने हाथ से लकड़ी से सारा लकड़ी का काम है उसमें, उस बंगले में लकड़ी से ही वहाँ टेबल चेयर बनी है और मकान पूरा लकड़ी का ही बनाया है उन्होंने, और दीवारें इतनी सुंदर सुंदर सा मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी गरुड़ आए तो उस जगह जरूर घूमे जाएं, वो जगह जरूर देखें, बहुत सुंदर जगह है। तो मैंने आपको भेज रखा है, मैंने वीडियो में दिखा रखा है आपको कि कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा जब आप लोग आएंगे, तो ज़रूर जाइएगा। और अब आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।